अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 में पहले के की वैल्यू फाइंड की और फिर जो हमारे पास रिलेशन था वो डायरेक्ट रिलेशन था या इन्वर्स रिलेशन था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, बिल्कुल सेम हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि पहले हम उसका के की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उसके डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम करते हैं वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, वो अगर जॉइंटली का लफ्ज़ आ जाए या डायरेक्टली आ जाए तो इसका मीनिंग सेम ही होगा। तो इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स, जॉइंटली आया तो इसका मतलब भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डब्ल्यू जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, एक्स एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड व्हेन वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 2, y is equal to 3, z is equal to 10। तो ये हमारे पास वो फर्स्ट k की वैल्यू के लिए ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर एंड z, x, y स्क्वायर एंड z, ये तीनों इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, ये आ गया जी हमारे पास, जेड हमारे पास सिंपल है। और W की वैल्यू क्या हमारे पास 5, हमने पुट की, K की फाइंड करनी है, X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 3 है एंड Z की वैल्यू 10 है। ये आ गया 2K, 3 का 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई होगा तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180k इज इक्वल टू 5 आ गया, 180k इस तरफ आ गया और 5 इस तरफ आ गया, k इधर ही रहा तो 5 ओवर 180 आ गया, 5 1 का 5, 5 3 का 50 एंड 5 6 का 30 और आंसर आ गया 1 ओवर 36। तो ये 1 ओवर 36 हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई, ये हमारे पास k की वैल्यू बन गई है 1 ओवर 36। अब हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अपनी बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जी, उसने हमें आगे बोला है फाइंड दी डब्ल्यू व्हेन एक्स, फोर फाइंड करना है हमने इसमें डब्ल्यू, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 3। वो कहते हैं जी इसमें क्या फाइंड करें, डब्ल्यू फाइंड करें जबकि एक्स वाई और जेड की वैल्यू जी है। उस वाली एक्सरसाइज 2 में तो हमें सारी की सारी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें एक वैल्यू या दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, इससे ज़्यादा नहीं फाइंड करनी पड़ेंगी। अब हमने यहाँ पर मेरी क्वेश्चन नंबर 1 जी है, हमने दोबारा इसी को लिखा W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जेड, डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू है 1 ओवर 36 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की वैल्यू क्या है 7 और Z की वैल्यू क्या है 3। तो 4 1 4 एंड 4 9 36 आ जाएगा, 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 7 ओपन करेंगे स्क्वायर, 3 3 7 7 का 49 एंड 3 आ जाएगा इधर, 3 1 3 एंड 3 3 9, ये आ जाएगा कि 49 ओवर 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी और W की वैल्यू आ गई हमारे पास W इज इक्वल टू 49 ओवर 3 एंड K की वैल्यू है 1 ओवर 36। तो ये हमारी दो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी हमारी फाइंड हो गई, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स का क्यूब, वाई वेरीज डायरेक्टली आ गया तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर इन्वर्स आता तो इसका मतलब होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली एज एक्स का क्यूब
एंड इनवर्सली एज एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर एंड टी जेड स्क्वायर एंड टी वैल्यूज ने हमें गिवन है y 16 है x 4 है y 16 y 16 x 4 z 2 और t 3 z 2 एंड t 3 है। जी स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो आपके सामने एक डिफरेंट स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है इस एक्सरसाइज की। कहते हैं y वेरीज डायरेक्टली एज x का क्यूब। सिर्फ इतनी को हम सॉल्व करते हैं, y वेरीज डायरेक्टली x का क्यूब। तो y डायरेक्टली आ रहा है किसका क्यूब, x का क्यूब। एंड इनवर्सली, अब y किसके आ रहा है, इनवर्सली किसके, z स्क्वायर एंड t। तो इनवर्सली आएगा z स्क्वायर एंड t। क्लियर होगी बात कि y स्क्वायर डायरेक्टली x का क्यूब एंड इनवर्सली, इनवर्सली होता है 1 ओवर की फॉर्म में z स्क्वायर एंड t। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको हम ये करेंगे कांस्टेंट में चेंज, z स्क्वायर ओवर z, z का x का क्यूब, z स्क्वायर एंड t। वैल्यू हमारे पास ने ये 4 वैल्यूज दी है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो 16, k फाइंड करना है 3, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, z की वैल्यू हमारे पास 2 है, t की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसको हम करेंगे 16, 4 को ओपन करेंगे तो 64k आ जाएगा, 2 का 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब यहाँ से ये वैल्यू 4 का 24 हो जाएगा, और ये वैल्यू 3 इधर जाके क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 16k, ये मल्टीप्लाई होकर 48 ओवर 16 इज इक्वल टू k आ जाएगा। और जब हम अब इन वैल्यू को यहाँ पे करते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा 4 का 16, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 1 का 4 एंड 4 3 का 12, तो k हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो फाइंड करेंगे, उसमें अब फाइंड दी वैल्यू ऑफ y। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमारे पास गिवन है वो है x की 2 z की 3, x की 2 z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन वैल्यू, और y हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसी में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू k x क्यूब ओवर z स्क्वायर t। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, और z की वैल्यू हमारे पास 3 है, और t की वैल्यू हमारे पास 4 है। ये हमने इसमें क्या कर दी, इनकी वैल्यूज पुट कर दी, k की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 एंड t की वैल्यू 4, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो अब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3 3 का 9 मल्टीप्लाई 4, 4 4 से कैंसिल, 3 1 का 3 3 का 9, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो हमारे पास y का आंसर आ गया x, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 आंसर। y की वैल्यू हमने पुट की तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्यूब है जी, यहाँ से ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 2 का 4 2 का 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 का 4 एंड 4 2 का 8, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 1 का 3 एंड 3 3 का 9 एंड y इज इक्वल टू 2 ओवर 3। हमारे पास क्या आ गया, y का आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास k का आंसर आया था, ये यही वैल्यू हमने जब k की यहाँ पे पुट कर दी 3, जो हमने नो अननोन था हमारे पास y था, वो हमने फाइंड करना था सेकंड पार्ट में, और ये हमारे पास गिवन वैल्यूज थी हमने इसमें पुट कर दी, तो पुट करने पर हमारे पास इसके क्या आ गया, y का भी आंसर आ गया। यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब हम उसको देखते हैं।
जी क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहते हैं वाई वी वेरीज डायरेक्टली एज वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट एक्स वाई की क्यूब एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू 27 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 y is equal to 6 and z is equal to 7 जब हमारे पास ये वैल्यूज हो। अब इसमें देखें, इसमें पहले नंबर पर कहते हैं v varies directly as, तो v क्या है directly as the product, product क्या है इन दोनों चीज़ों का, ये x and y आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट के हैं मल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर है एंड जेड का स्क्वायर सिंपल एक वैल्यू है जेड का स्क्वायर, आगे उसने उसकी वैल्यूज दी है जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब ओवर जेड का स्क्वायर, पुट करेंगे वैल्यू, अब इसमें पुट वैल्यू v की वैल्यू कितनी है 27, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है और z की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 216 ओवर 77 का 49 आ जाएगा। ये 71 द 7 एंड 77 द 49 आपस में कैंसिल हो गए, ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू के 216 और 27 मल्टीप्लाई 7 ये 216 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये k की आंसर आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 216 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 27 को और 7 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाते हैं 189 ओवर 216 इज इक्वल टू k। अब ये दोनों वैल्यू हम डिवाइड कैंसिल करेंगे, 3 के टेबल पे 3 6 18 3 3 9 37 का 21 एंड 32 का 6, फिर 3 पे कैंसिल होगी तो ये आ जाएगा, बल्कि 9 पे कैंसिल करें तो 97 द 63 एंड 98 द 72, तो k इज इक्वल टू 7 ओवर 8 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है k की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और उसके बाद वो कहते हैं x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 2, x क्या है 6 y क्या है 2 एंड z इज इक्वल टू 3, तो ये भी वैल्यू हमने किस में पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब ओवर z का स्क्वायर, तो v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू हमारे पास 7 ओवर 8 है, पुट द वैल्यू, तो x जो है वो हमारे पास 6 है, y हमारे पास क्या है 2 है उसका क्यूब आ जाएगा ओवर z क्या है हमारे पास 3 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, यह आएगा 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 ओवर 9, तो यहाँ से ये 8 इस 8 से कैंसिल, ये 3 2 का 6 एंड 3 3 का 9, 3 2 का 14 ओवर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा वी का आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 ओवर 3, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया वी का आंसर आ गया। और इस तरह यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इन क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले जो डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा डायरेक्टली और इन्वर्सली फॉर्म में लिखा, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की तो हमने के की कांस्टेंट की वैल्यू लगा दी, के कांस्टेंट से इसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो गई, तो अब वहाँ से पहले क्या फाइंड किया के की वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप था कि कोई एक वैल्यू गिवन थी जो कि हमने
अननोन वैल्यू थी वो हमने फाइंड की, तो वो फाइंड करने के लिए हमें दोबारा इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू पुट की, जो हमारे दोबारा उसने गेन गिवन वैल्यूज दी हुई थी उसको पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, और इस तरह ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।